नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में कोरोना वायरस का जो खोप है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है और कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन हो चुका है। यानी कि 21 दिनों तक आपको सिर्फ घर पर रहना है, आप 21 दिनों तक कोई काम नहीं कर सकते, ना तो घर से बाहर जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, जो लोग 21 दिनों तक घर बैठकर आराम से खा सकते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जो डेली काम पे जाते हैं और कमा के लाते हैं, उसके बाद उनके घर का चूल्हा जलता है और फिर जाके उनका पेट भरता है। तो दोस्तों, आप जहां 21 दिनों तक सब काम धंधे बंद पड़े हैं, तो उन लोगों का क्या जो डेली काम पे जाके अपना पेट पालते हैं? ऐसे में उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही, मतलब कि उनके पास खाने के लाले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पे हमारे इंडियन सिनेमा के जितने भी फिल्म स्टार हैं सब आगे बढ़ बढ़कर सबकी मदद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहां दोस्तों, आपको याद हो तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने आपको बताया था कि तेलुगु सिनेमा के कम 8 से 10 सुपरस्टार ने करोड़ों का और लाखों का दान किया, जिसमें चिरंजीवी है, रामचरण है, जूनियर एनटीआर है, अल्लू अर्जुन है, प्रभास है, पावर स्टार पवन कल्याण है और इसके अलावा और भी बहुत, मतलब प्रभास भी है, मतलब कि लगभग तेलुगु सिनेमा के बहुत सारे सुपरस्टार ने दान किया। किसी ने 1 करोड़, किसी ने 50 लाख, किसी ने 4 करोड़, किसी ने 2 करोड़, मतलब कि जिससे जितना बना सब ने किया। 1 करोड़ करे या 1 लाख करे, उससे नहीं, बंदे मदद कर रहे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो के नीचे मैंने कई ऐसे कमेंट पढ़े जहां पे लोग बोल रहे थे कि भैया साउथ सिनेमा के सब सुपरस्टार दान कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड वाले कहां हैं? बॉलीवुड वाले आखिर क्यों नहीं दान कर रहे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब जब इंडिया में कोई प्रॉब्लम आती है, जब जब इंडिया में कोई समस्या आती है, तो सब लोगों को एक इंसान से जरूर उम्मीद होती है। वो सुपरस्टार है अक्षय कुमार। जी हां दोस्तों, ये देश में कुछ भी बड़ी आपदा आती है, फिर चाहे वो तूफान आए, कहीं बाढ़ आ जाए या फिर और भी कुछ परेशानियां आए या फिर आर्मी वालों की मदद करने के लिए कोई हो, हमेशा अक्षय कुमार आगे आते हैं। तो सबको उम्मीद थी कि भैया अक्षय कुमार आप कोरोना वायरस के टाइम पे भी लोगों की मदद करने जरूर आएंगे। और दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही हुआ जिस तरह से लोगों ने सोचा था। अक्षय कुमार ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो भी सामने आ गए हैं और अब लोगों की मदद करेंगे। और दोस्तों, अक्षय कुमार ने कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 25 करोड़ रुपए दान किए हैं। मतलब कि दोस्तों, 25 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अक्षय कुमार ने 25 करोड़ का दान किया, जिसके बाद में मेरे दिल में अक्षय कुमार के लिए जो इज्जत थी वो पहले ही काफी ज्यादा थी, लेकिन इसके बाद और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। क्योंकि भैया बॉलीवुड में जब जब किसी बड़े सुपरस्टार का नाम लिया जाएगा, किसका दिल बड़ा है, तो सबसे पहले नाम आएगा अक्षय कुमार का। क्योंकि जब भी कोई परेशानी आती है, अक्षय कुमार सबसे पहले आगे आकर खड़ा होता है। इसलिए दोस्तों, अक्षय कुमार के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। तो दोस्तों, मेरी तरफ से और मेरे दोनों चैनल की पूरी टीम की तरफ से हम अक्षय कुमार को ग्रैंड सैल्यूट करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि जहां आपने 25 करोड़ रुपये का दान किया, तो भगवान आपको 25,000 करोड़ की और कमाई कराए। तो दोस्तों, ये 25 करोड़ रुपये अक्षय कुमार के लिए ज्यादा बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन उस 25 करोड़ से कितने घरों के चूल्हे जलेंगे, कितने लोगों के पेट भरेंगे, ये सोचकर ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब बहुत अच्छा काम किया। जितना बोलूं मैं उतना कम होगा और मैं मतलब कि बोल नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है अक्षय कुमार के इस कदम से। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद है कि जिन गरीब लोगों की इस 25 करोड़ से मदद होगी उन्हें भी खुशी होगी, साथ ही साथ अक्षय कुमार के जितने चाहने वाले, उनके फैन हैं, उनको फॉलो करने वाले, उनको भी खुशी होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे उन लोगों से मैं जवाब मांगता हूँ जो अक्षय कुमार को कैनेडियन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार के पास कैनेडा का पासपोर्ट था, जिसकी वजह से कई लोग अक्षय कुमार को बोलते हैं कि तू तो इंडियन ही नहीं, तू तो कैनेडियन है। लेकिन दोस्तों, आज जब देश पे परेशानी है, जब एक कैनेडियन, जैसे सब लोग कैनेडियन कहते हैं, वो लोगों के आगे आकर मदद कर रहा है और जिन सुपरस्टार के पास में इंडिया का पासपोर्ट है उन्होंने क्या उखाड़ लिया। तो यहाँ पे अक्षय कुमार के जितने भी हेटर्स हैं ना, उन सबको यही कहूंगा कि थू है आप सब पे। ऐसे बंदे को हेट करते हो जो देश में कोई भी परेशानी आती है तो सबसे पहले आकर मदद करता है, ऐसे इंसान को कोई कैसे हेट कर सकता है? अक्षय कुमार एक ऐसा बंदा जो सबकी मदद करता है, किसी से कोई उसका आज तक झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, कभी किसी से कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम करता है और जब जब उसकी जरूरत समाज को होती है तो आगे आकर मदद करता है। तो अक्षय कुमार के हेटर्स को यही कहूंगा कि फिर से एक बार सोचिए, कहीं आप गलत इंसान को तो हेट नहीं कर रहे। मेरा भाई, आप एक बार फिर से सोचिए, अक्षय कुमार हेट करने लायक इंसान नहीं है। अक्षय कुमार की जितनी इज्जत की जाए उतनी कम होगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको भी यही कहूंगा कि प्लीज 21 दिनों तक घर पे रहे और हो सके तो आप भी थोड़ी बहुत मदद लोगों की करते रहिए। आपके घर के आसपास कोई गरीब लोग हो जिनके पास खाने के लिए ना हो, तो आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए, भले आपसे 100 रुपए हो, 1000 रुपए
रुपये हो, 10,000 रुपये हो, मतलब जितने आपसे मदद हो सके करो। आप कई लोग कमेंट करेंगे कि हमें बोल रहा तूने कितने कर दे, तो दोस्तों मेरे से जितनी हो रही है मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों अक्षय कुमार के लिए फिर से एक बार दिल से सल्यूट, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे वो लोगों की मदद करते रहे और जल्दी से जल्द हमारे देश से कोरोना वायरस की बीमारी खत्म हो जाए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।